आज मिली है हमको। चलो कुछ कह जाते हैं, आवाज मिली है हमको, चलो कुछ कह जाते हैं, नहीं तो कुछ अफसाने दिल में उठते हैं और दिल में ही रह जाते हैं। हम आज क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए चैप्टर 1 से भी कर सकते थे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम पहले मैथमेटिक जो इसके लिए ज़रूरी होगा उसे थोड़ा समझते चलें, क्योंकि क्लास 11th की फिजिक्स में और क्या क्लास 12th की फिजिक्स में करने के लिए सॉल्यूशंस को हमें कम से कम बेसिक मैथ आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप जैसे बहुत से बच्चे मैथ लेंगे और कुछ बच्चे बायोलॉजी लेंगे, तो मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जब मैथ को समझें तो आप इस तरीके से समझ लें कि आप बायोलॉजी वाले हों तो भी आपको प्रश्न नहीं आए, और अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आगे आने वाले समय में ये आपके लिए कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर बन के आए। तो हम अपनी मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वह एलजेब्रा। फर्स्ट पार्ट एलजेब्रा। पार्ट वन करते समय हमें कुछ सिंपल फॉर्मूलेस, मैथमेटिक के जो सिंपल फॉर्मूलेस होते हैं जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उन्हें थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मूलास इनमें आते हैं हमारे फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। सेकेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस डी। फोर्थ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड a प्लस डी। थर्ड फिफ्थ फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड a माइनस बी। फिफ्थ फॉर्मूला के बाद सिक्स जो है हमारा ये लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो डेट फॉर्मूला बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। सेवेंथ डेट इज ए क्यू माइनस बी क्यू डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। एट फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलास हैं जिन्हें हमें याद होने चाहिए जब हम क्लास 11th के आगे जो मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें ये सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से एट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर
डेट इज इक्वल टू 2a² + b² टेन फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4ab। ये भी कुछ फॉर्म, ये भी सारे हमारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आपको सवाल करने में थोड़ी परेशानी ना आए। पॉइंट टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ती हैं ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री टू हो, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जिनकी वेरिएबल्स में डिग्री टू हो उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ax² + bx + c = 0 होती है। यहां पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। और यहां पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं कौन सा टर्म और कौन सा वेरिएबल, उसके पास कितनी डिग्री है और कौन इसका कोफिशिएंट, इसमें हम ये बता सकते हैं। इसमें जो हमें समझने वाली बात है, इसके हमें रूट निकालने के कई तरीके होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सबसे पहले समझते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट उन्हें बोलते हैं जिन वैल्यू को रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसे वैल्यू को हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि x² + 5x + 6 = 0। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x² + 3 + 2x + 6 = 0, x² + 3x + 2x + 6 = 0, x + 3 + 2x + 3 = 0, सो x + 3 and x + 2 = 0। So, यहाँ पर जब हम इसे वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों को, x + 3 = 0 डेट इज इक्वल टू x - 3 एंड x + 2 = 0 डेट इज इक्वल टू x - 2। तो ऐसी कंडीशन में x - 3 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखी है उसके 2 और 3 रूट्स हैं। अगर हम माइनस जो माइनस अल्फा अल्फा लेते हैं पहले रूट को, अल्फा को मानते हैं -3 के इक्वल एंड दूसरे रूट को लेते हैं बीटा के इक्वल, इसे मानते हैं -2 के इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा मैं सीरीज कर दूं, यहां लिख देता हूं। अगर ऐसा नहीं माना तो सम 0 का सम जो होगा, 0 का सम अल्फा प्लस बीटा जो सम होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x डेट इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर माइनस के बराबर होगा। वहीं
एक इम्पोर्टेंट बात है, और दूसरा अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा जो होगा वो हमारा सी अपॉन ए के बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर हमारा कॉन्स्टेंट टर्म निकल करके आएगा। सम एंड प्रोडक्ट, इन सम एंड प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। अगर हम इसकी इसी को ले लें तो यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस के थ्री माइनस के टू माइनस के फाइव, डेट इज इक्वल टू, अगर हम यहां वन ले लें और यहां से माइनस माइनस के फाइव अपॉन वन करें तो यहां पे देखिए कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कंडीशन फॉलो कर रहा है बिल्कुल। इसी तरीके अगर हम अल्फा बीटा लेते हैं तो माइनस का थ्री इंटू माइनस का टू कितना हुआ, ये हो गया सिक्स अपॉन वन, तो कॉफिशेंट एट कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट वन। इस तरीके से हम इन टर्म्स को बना सकते हैं। अगली बात, ये तो सिंपल तरीका होता है और एक फॉर्मूला भी होता है जिस फॉर्मूले की मदद से हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो, लेट अस टेक एक्स विद अ जीरो, ऐसी कंडीशन में अगर एक्स कोई नंबर है जो कि जीरो है इक्वेशंस का, ऐसी कंडीशन में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के बराबर हमारी इक्वेशन बनती है, ये हमारी इक्वेशन बन करके आती है। हमारी जो इक्वेशन थी कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो यहाँ पे क्या है एक्स इज जीरो, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में टू एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमने जो फॉर्मूला क्वेश्चन दिया था, अगर हम चाहें तो इसे इस एक्स स्क्वायर की बजाय हम इसे दो बार भी लिख सकते हैं। तो दो बार में कैसे लिखेंगे, हम मानते हैं पहले पहले को मानते हैं अल्फा, पहले जीरो को मानते हैं अल्फा, तो अल्फा मानते हैं तो क्या वो माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
अपॉन 2a एंड सेकंड को मानते हैं बीटा, तो बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारा माइनस का b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे दो जीरोस बनके आ जाती हैं, दैट इज फर्स्ट जीरो दैट इज सेकंड जीरो, दैट्स आर द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे एक एग्जांपल समझने कुछ करते हैं, सपोज कीजिए हमें एक एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, हम उसी पुराने एग्जांपल को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसके 0 फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा v क्या है, कंपेयर करने पर हमें v जो मिलता है वो 7 मिल रहा है, हमें यहाँ पर a क्या मिल, यहाँ पर a क्या मिला, a हमें मिला 1 के बराबर, a की वैल्यू जो थी 1 के बराबर थी, यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू 1 है, 1, एंड c की वैल्यू जो है वो है 10, तो यहाँ पर x x रखा हमने, तो क्या हुआ, इट इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 इंटू 1 एंड सी की वैल्यू 10 इंटू 10 अपॉन 2 और 1 की वैल्यू 1, तो ये हमारे वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब इस सॉल्व करते हैं, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 14 अपॉन 2, नाउ इस सॉल्व किया हमने, और थोड़ा सा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 40 गए तो 9 बचा अपॉन 2, रूट किया 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, तो फर्स्ट हमने लिया प्लस और सेकंड लिया माइनस, जब हमने प्लस लिया 7 प्लस 3 अपॉन 2 एंड सेकंड लिया 7 माइनस 3 अपॉन 2, इसे माना अल्फा इसे माना बीटा, अल्फा लिया तो 10 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 3 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर जो यहाँ पे हमें मिला ये मिला हमें 4, तो हमें अल्फा की जो वैल्यू मिली अल्फा जो अल्फा में मिला अल्फा बराबर 5 एंड बीटा बराबर 2, डेट्स आर द जीरो ऑफ द गिविंग पॉलीनोमियल गिविंग क्वाड्रेटिक ऑप्शन। इसी तरीके से हम और भी कई तरीके की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर हमें करने को आएंगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की बात करें, अगला हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम क्या थ्योरम होती है असल में, जैसा कि हमने अपनी हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर
की पावर 4, तो हमने क्या देखा, a प्लस बी का पावर 2 तो हमने पढ़ा है, हमें बड़े आसान निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब भी हम याद कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन a प्लस बी की पावर 4 याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी बात नहीं निकलेगा नहीं, लेकिन याद कर पाना और रिमेंबर करना भी बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अगर a प्लस बी की पावर 5 आ जाए तो याद होगा नहीं, a प्लस बी की पावर 6 आ जाए तो उसकी तो भूल ही जाओ। इसी तरीके से अगर हमें बोल दिया जाए कि a प्लस बी की पावर 10 निकालो, तो हम तो निकाल ही नहीं सकते ना। और a प्लस बी की पावर 10 क्या, अगर a प्लस बी की पावर n आ जाए तो उसे हम कहां से निकालेंगे। तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए, इनका जवाब देने के लिए ही एक थ्योरम बनाएंगे जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से a प्लस बी पावर 100 क्यों हो उसे भी निकाल सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन, हम पहले देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है इक्वेशन का। जनरल एक्सप्रेशन तो जनरल एक्सप्रेशन होता है एक इक्वेशन का, हमें किसी भी पावर का निकालना हो, a प्लस बी पावर n तक निकालना, सब कुछ कीजिए तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे n c 0, एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो। सेकेंड टर्म एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एंड बी की पावर वन। देन एन सी टू ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर टू या बी की पावर टू, एंड ऐसे ही हम इक्वेशन को चलाते जाएंगे। सपोज कर सकते हैं एन सी आर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ए की पावर एन माइनस आर होगी और बी की पावर आर आएगी, और इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। हम और एन सी एन ए की पावर जीरो एंड बी की पावर एन तक हम पहुंच जाएंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं n n से एक ज्यादा होगा, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 होंगे, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होते हैं। और हमने यहां पे ये जो नंबर देखे हैं, यहां पे ये जो नंबर दे रखे हैं n c 0 n c 1 एन सी टू डैश डैश एन सी आर आर द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। जो टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ पर होने के बाद में हम जो अगर हम किसी जनरल टर्म को लिख लेते हैं, जनरल टर्म को लिखते हैं और एन सी आर लेते हैं, तो ये जो इक्वल होता है एन अपॉन आर एन माइनस आर के बराबर होता है ये।
उसकी वैल्यू n n माइनस आर के बराबर होती है। अब यहाँ पे जरा n को देखते हैं, n स्लैश कमिंग क्या है, सपोज कीजिए ये इसका मीन क्या है, अगर 2 है तो 2 का मतलब होगा इसकी कंडीशन में 2 इंटू 1, और यहाँ पर एक स्लैश लग रहा है। अगर यहाँ 3 है और इस स्लैश लग रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर यहाँ 4 है और 4 पे यूँ स्लैश लग रहा है तो मीन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 है उस पर ऐसे स्लैश लग रहा है तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से हमारे टर्म्स लिखे जाएंगे। जनरल टर्म्स, फॉर यानी जनरल टर्म्स, जब हम किसी को जनरल टर्म्स के रेस्पेक्ट में से लेते हैं तो कैसे लेंगे इसे, 1 प्लस x की पावर n, मीन टू से जनरल टर्म में, ये हमारे पॉजिटिव नंबर के लिए था, ये एक्सप्रेशन जो होता है हमारा केवल पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए था, जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन अब जब हम एनी टाइप ऑफ नंबर 1/3 या जैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नंबर हो उसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो उसके लिए जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन आता है वो रहता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2, इसे परमुलेट होते हैं, एंड x स्क्वायर डैश n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 परमुलेट x क्यूब एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी और अप टू n, जो हमारी n वैल्यू है वहां तक या ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ये एंड सेकंड, ये दो हमारे फॉर्मुलेशन के टर्म्स होते हैं। ये हमें दिखने थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा लेकिन जैसे हम करेंगे तो हमारे माइंड में ये और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। एग्जाम्पल लिख देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2c0 a की पावर 2 एंड b की पावर 0, सेकंड केस में 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 एम बी की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 एम बी की पावर 2, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम बता देते हैं 2c0 एंड 2c2 दोनों ही 1 के इक्वल होंगे, कैसे, यहां देखिए फॉर्मूला क्या था हमने जनरल टर्म का, ncr का फॉर्मूला क्या था, n परमुलेशन r n माइनस r परमुलेशन, तो यहां देखिए जब यहां पर
ये एन है और ये आर है, ये एन है ये आर है। पहली कंडीशन, इस कंडीशन में एन हमारा 2C0 में एन की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 0 है, 0 एंड 2 माइनस 0 परमुलेट। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, 2 परमुलेशन और 0 से 0 के मतलब 1 होता है इनटू 2 परमुलेशन, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा तो 1 आ गया उसका। इस तरीके से 2C2 करते हैं तो 2 तो 2 परमुलेशन एंड 2 माइनस 2 परमुलेट, तो क्या हुआ 2 परमुलेशन एंड 0 परमुलेट, 0 से 0 कैंसिल और 0 का परमुलेशन 1 होता है तो ये भी 1 आ गया। तो इस तरीके से ये और ये दोनों 0 हो गए। अब 2C1 की वैल्यू क्या होगी, 2C1 यानी कि 2 ब्रैकेट 1 परमुलेशन एंड 2 माइनस 1 परमुलेशन कितना हुआ, 2 परमुलेट 1 परमुलेशन, 1 परमुलेशन 1 का 1 हो गया तो 2 परमुलेशन बचा, 2 इंटू 1 बराबर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, NC1 की वैल्यू 2 है इसमें। तुमने क्या देखा था, NC1 की वैल्यू 1 थी तो 1 आ गया और 0 की वैल्यू 1 होती है तो a स्क्वायर हो गया, ये यहां से वैल्यू 2 थी तो 2 आ गया, यहां से 2 में से गया तो a बचा, यहां से भी गया तो b बचा, यहां से 2 में से गया तो यहां 1 बचा था तो 1 हो गया, a से 0 हो गया, a की पावर 0 हो गई, 0 का मतलब 1 ही होता है और b स्क्वायर हो गया, तो एक a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab हो गया। इसी तरीके से हम चाहे तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब को वैसे लिखते हैं 3C0 a की पावर 3 एंड बी की पावर 0 प्लस 3C1 ए की पावर 3 माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस 3C2 ए की पावर 3 माइनस 2 बी का होल स्क्वायर प्लस 3C3 ए की पावर 3 माइनस 3 एंड बी की पावर 3। यहाँ पे कितने, 4 टर्म हो गए, यहाँ 3 है तो 4 टर्म बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 3C0 की वैल्यू जो आती है वो 1 होगी एंड 3C3 की भी वैल्यू 1 ही होगी। अब यहाँ निकालते हैं 3C1 की वैल्यू, 3C1 की वैल्यू जो हमारा निकला 3 परमुलेशन एंड 1 परमुलेट 3 माइनस 2 1 या 3 माइनस 1 तो कितना हुआ 3 परमुलेशन अपॉन 2 परमुलेशन 3 इंटू 2 परमुलेशन 2 परमुलेशन 2 से 2 कैंसल 3C1 3 के बाद आ गया एंड 3C2 3C2 जो होगा 3 परमुलेशन 2 परमुलेशन 3 माइनस 1 नो हाँ 3 माइनस 2 के बराबर आ गया 3 माइनस 2 मतलब 1 के बराबर हो गया 3 परमुलेशन 2 परमुलेशन 3 इंटू 2 परमुलेशन 2 परमुलेशन 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 कैंसिल NC बराबर 3 आ गया। तो इसे रखते हैं यहाँ पर, NC बराबर कितना हुआ 1 है तो 1 क्यूब, यहाँ से क्या तो 3 a स्क्वायर b प्लस ये कितना हो गया 3 a b स्क्वायर वहाँ से b क्यूब। अब हम चाहें तो से अपनी जनरल टर्म जैसा हम याद तक करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब और इस इन दोनों में से क्या मिल रहा है 3 और a भी कॉमन मिल रहा है तो a प्लस b हमने इसे लिख दिया। इस तरीके से हम इन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम चाहें तो a प्लस b की पावर 4 भी निकाल सकते हैं।
एक ए प्लस जी के बाद फोर निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी की पावर फोर, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फोर सी जीरो, ए की पावर फोर एंड बी की पावर जीरो प्लस फोर सी वन, ए की पावर फोर माइनस वन बी की पावर वन प्लस फोर सी टू, ए की पावर फोर माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री, ए की पावर फोर माइनस के थ्री एंड बी की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर, ए की पावर फोर माइनस फोर एंड बी की पावर फोर। यहाँ पे वही होगा, फोर सी जीरो एंड फोर सी फोर, ये दोनों वन के इक्वल हो जाएंगे। फोर सी वन, फोर सी वन जो होगा फोर परमुलेशन, वन परमुलेशन तो वन ही रहेगा, हम थ्री और फोर में से फोर माइनस थ्री परमुलेशन वन, तो कितना हुआ फोर परमुलेशन, यहाँ वन है तो थ्री परमुलेशन, तो यहाँ थ्री से फोर इंटू थ्री परमुलेशन और यहाँ से थ्री परमुलेशन से थ्री परमुलेशन कैंसिल, तो फोर आ गया, फोर सी वन। यहाँ से फोर सी टू, फोर सी टू हुआ है तो यहाँ फोर परमुलेशन टू परमुलेशन, फोर माइनस टू परमुलेशन कितना हुआ यहाँ से, फोर परमुलेशन टू परमुलेशन एंड टू परमुलेशन, तो यहाँ से फोर इंटू थ्री इंटू टू परमुलेशन, टू परमुलेशन इंटू टू परमुलेशन, टू एक परमुलेशन एक परमुलेशन कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री अपॉन टू, टू से टू गया तो ये बचा सिक्स, सिक्स बचा। और सीधे जैसे हम फोर सी थ्री करते हैं तो उसका आंसर फोर आएगा, आप चेक कर लेना। तो जब हमने यहाँ पे निकाल लिया फोर सी वन की वैल्यू वन आई है तो एक बार फोर हो गया एंड फोर सी वन की वैल्यू आई है हमारी फोर, तो प्लस फोर ए की पावर थ्री बी प्लस फोर सी टू की वैल्यू होगी सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पे रखा है फिर फोर, यहाँ ए बी क्यू प्लस बी की पावर फोर। इस तरीके से हम और इसे याद करने जाते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन हमने एक बाइनोमियल थ्योरम की मदद से बड़ी आसानी से इसको निकाल डाला। इसी तरीके से मैं आपको एक ऑप्शन देना, एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि आप सेल्फली a प्लस बी की पावर 5 एंड a प्लस बी की पावर 6 को अपने आप होमवर्क में करें। ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम किस किस तरीके ग्राफ्स को देखते हैं, किस किस तरह के ग्राफ हमारे पास आते हैं। तो देखिए जो हमारे ग्राफ्स होते हैं आमतौर पर हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हमारा बाई, यहाँ पे हमारा एक्स, ये हमारा ओरिजिन होता है ओ। ग्राफ्स की हम क्यों यूज करते हैं, ग्राफ की मदद से हम किसी भी डाटा को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जैसे कर सकते हैं कि अगर फोर्स जो है उसका मास कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट पोजीशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डायरेक्ट पोजीशन होगी, डायरेक्ट पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सीधे बोल देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम उसे और एक ग्राफिकल मेथड दिखा देंगे डायरेक्ट पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन है एफ
डायरेक्ट क्वेश्चन टू ए, तो इसी कंडीशन में हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ, डिस्पेस टाइम ग्राफ हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, ऐसे इन ग्राफ्स के अंदर भी हम यही करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि कौन सी स्पीड वेरिएबल है, कौन सी स्पीड चेंज हो रही है, कौन सी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, बड़ी आसानी तक किया जा सकता है। अब देखिए, हम आम तौर पर जो हमारा कन्वेक्शन रहता है उसमें हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिन्हें जिनकी वैल्यू किसी और दूसरी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से जो चाहे रख सकते हैं। वहीं जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, उन क्वांटिटीज को हम इधर रखते हैं, इधर की साइड हम डिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे सपोज किए टाइम, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहीं उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी एक डिपेंडेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी बनी। जैसे हमने बाई एक्सिस में लिया और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को टी एक्सिस में के रेस्पेक्ट, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ग्राफ की मदद से हम किसी भी डाटा को कम समय में ज्यादा से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ टाइप के ग्राफ देख लेते हैं जिससे हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। सम ग्राफ्स, फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? सपोज कीजिए एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये क्या दिखाती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिखाती है, यहां से यहां, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो ऐसे ग्राफ के लिए हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और हम इस थीटा के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो m, यहाँ पे हम इस थीटा मान के चलते हैं, यहाँ पे हमने माना एक एंगल, यहाँ एक एंगल है जिस जो है थीटा, तो अगर एंगल थीटा है तो m जो होती है y अपॉन x बराबर हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू y अपॉन टेन, इधर और इधर हमने लिया तो एक ट्रेंगल सा बनता है, यहाँ पे यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो किसके एक टेन थीटा के बराबर बैठता है। तो जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू टेन थीटा। इस तरीके ग्राफ में हम उसे टेन थीटा के एस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, हम सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ जो लेते हैं उसमें हम लेते हैं वाई इजकल टू mx plus c, mx plus c। ऐसे ग्राफ में बोलने का मतलब क्या है? ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है यहाँ से, और ये ग्राफ में ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थी, जैसे हमने c बोला है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पहले चला जा चुका है, अब ये यहाँ से यूँ चला है ग्राफ। ये x है, ये y है, इसने इतना डिस्टेंस पहले चल सकता है, चल रखा है जो c के बराबर है, यहाँ से ये थीटा एंगल यहाँ पे इसने लिया है इसने, ओ ए बी सी डी। तो इस तरीके से हम ग्राफ को देखते हुए उतार सकते हैं कि जो स्पीड, सब उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही समझ लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गाड़ी थी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से बढ़ी, फिर उसके बाद उसके अचानक से स्पीड में चेंज आया, या फिर यहाँ से यहाँ तक कोई स्पीड में चेंज नहीं आया और फिर आगे चल करके इसमें कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से हम इस तरह ग्राफ बता सकते हैं। और इसका भी जो स्लोप रहता है, टेन एम इज इक्वल टू टेन थीटा ही रहता है, स्लोप स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ हम लेते हैं, थर्ड टाइप
जिसमें कि हम इक्वेशन लेंगे y इक्वल टू mx माइनस c, mx माइनस c मीन टू से ओरिजिन से नीचे। ये ग्राफ कैसा बनेगा, सपोज कीजिए ये यहाँ तक का ओरिजिन था, हमारा ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट ओरिजिन से नीचे है, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट D है, ये E है, ये Y, ये X। तो जो हमारी लाइन आई है ना, लाइन यहाँ से शुरू हुई है और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है ऐसे में पढ़ा था, और नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जो शुरू हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव शुरू होते हुए तब आगे बढ़ाए और यहाँ पे इसका थीटा बनाया, ये थीटा बनाया, तो इसका भी स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा की रेस्पेक्ट में मिलता है। लेकिन इस ग्राफ में क्या है, माइनस सी है, माइनस का सी है, तो मीन टू क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो ओरिजिन से, यहाँ पे जो ओरिजिन से उसके डाउन नीचे की तरफ से शुरू हुआ है। इसके बाद अगला टाइप हम ग्राफ देखने जा रहे हैं, थर्ड फोर्थ, फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। जब इस तरह का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। इस पैराबोलिक ग्राफ को बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं इस तरीके की लाइन यूज करते हैं, ये हमारी y एक्सिस, y, y डैश, ये x डैश। तो ये जो ग्राफ होता है y इक्वल टू kx का जो ग्राफ रहता है, वो हमारा ग्राफ यहां से यूं स्टार्ट होता है और यहां से यूं जाता है। इस तरह के ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। ये हमारा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, y स्क्वायर के रेस्पेक्ट, y स्क्वायर के x का ग्राफ है। इसी तरीके से अगर ये ग्राफ हम फिफ्थ का बनाते हैं भाई, फिफ्थ x स्क्वायर इक्वल टू k y, तो ये ग्राफ जो होता हमारा, ये ग्राफ तो इस तरीके का ओरिजिन लेते हुए आगे बढ़ता कुछ इस तरीके का ओरिजिन लेते हुए, ये पैराबोलिक ग्राफ ही होता, यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये y, यहाँ y डैश, यहाँ x, यहाँ ये x डैश। इस तरीके से ये ग्राफ हमारे बनकर के हमारे सामने आ जाते हैं। सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ मोस्टली वैसा ही होता है जैसा कि हमने वहां पे देखा था, यहां से होते हुए यूं और यूं। फॉर एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है। और वहीं अगर सपोज कीजिए, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है या वैल्यू नेगेटिव में आती है, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। बहुत से ग्राफ होते हैं ऐसे टच करते हैं, और बहुत से ग्राफ ऐसे होते हैं जो टच किए बिना यू पैराबोलिक ग्राफ बनाते हैं कुछ, और ये ग्राफ यहाँ पर टच कर रहा है तो भी टच कर सकता है, और यहाँ से ऊपर ऊपर उठ करके आए ग्राफ तो भी ग्राफ अलग
यहाँ पे पैराबोलिक ही होगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक्स जैसे इक्वेशन का ग्राफ होगा, जितनी इक्वेशन का ग्राफ होगा वो उतनी ही बार उसे टच करेगा। मीन टू से अगर लीनियर ग्राफ होगा तो एक बार टच करेगा, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो टू बार टाइम करेगा, और ऐसे क्यूबिक ग्राफ होगा माना 7 टाइप का ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ। जो क्यूबिक ग्राफ होगा हमारा, जो क्यूबिक ग्राफ होगा वो उस पर जो हमारी ओरिजिन होगा वो तीन बार टच करेंगे उसको। एक उसने एक्स एक्सिस को 1 x एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उसने एक्सिस को हमारी तीन बार टच किया है। इसके बाद देखते हैं आगे, ये टाइप ऑफ 8वीं टाइप का ग्राफ, 8 एक सर्कल के लिए, ऐसा कुछ कीजिए एक सर्कल है यहां पर, ये सर्कल ने बनाया, इसका सेंटर ए है। तो इस तरीके के ग्राफ के लिए ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई डैश ये एक्स डैश, तो यहाँ पर इसका जो कि ग्राफ बन रहा है ना, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फॉर सर्कल, फॉर सर्कल। एक सर्कल के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और वहीं 9th ग्राफ जो हम ले रहे हैं एलिप्स, एलिप्स के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो एलिप्स क्या होता है पहले यहां देखते हैं ना, कंडीशन में जो एक ग्राफ बनता है एलिप्स का ग्राफ जो बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 5। ये हमारा एलिप्स का ग्राफ होता है। ये ग्राफ हमारा पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला क्यों, सर्कल के लिए, और ये हमारा एलिप्स के लिए ग्राफ होगा। एंड एक और टाइप का ग्राफ देख लें, 10th टाइप का ग्राफ, 10th। जैसे अगर वाई की पावर ई जेड एक्स, ऐसे का कोई इक्वेशन है एप्स, जो एप्सिलॉन के लिए आता है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ आता है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में समय के साथ कम कम, ये क्या इंडिकेशन देता है कि समय के साथ साथ वैल्यू में कमी आ रही है। तो हमने इस